यूं तो रेत पर निशान छोड़ना बेहद मुश्किल है, पर उड़ीसा के कलाकार सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर बिखेरी रेत को अपने कैनवास बनाकर रेत पर कुछ ऐसी कलाकृतियां उकेरी हैं जो भले ही पानी की लहरों से मिट जाएं, पर लोगों के दिलों से नहीं मिटती। और यही वजह है कि सुदर्शन आज दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है। सामाजिक मुद्दा हो या बड़े राजनीतिक बदलाव, निर्भया जैसा हादसा हो या फिर सचिन के शतकों का शतक लगाने का मौका, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इन सभी वाकयों को बालू के जरिए एक अलग पहचान दी है। दुनिया भर में कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके, कई पुरस्कार अपने नाम कर चुके ओडिशा के रहने वाले सुदर्शन द गोल्डन सैंड आर्ट संस्थान नाम से एक स्कूल भी चला रहे हैं, जिसमें छात्रों को वह रेत पर अपनी कल्पनाओं को साकार करने के गुर सिखाते हैं। सुदर्शन पटनायक ने 7 साल की उम्र से ही समुद्र के तट पर जाकर इन आकृतियों को बनाना सीखा और वहीं से आज पूरी दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। उनके लिए सबसे खास मौका होता है पुरी में हर साल आयोजित होने वाला भगवान जगन्नाथ महोत्सव। इस दौरान समुद्र तट पर सुदर्शन द्वारा बनाई गई रेत की कलाकृतियां आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षण रहती हैं। उनकी इस कला के पीछे मकसद कई हैं। मकसद, लोगों को समाज के लिए कई अहम मुद्दों के प्रति जागरूक बनाना, लोगों को नई नई जानकारी देना। अब चाहे मौका किसी त्योहार का हो या घटना का, राजनीतिक घटनाक्रम का या विकास की नई इबारत लिखने का। अपनी खूबी की वजह से सुदर्शन को रूस में आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला प्रतियोगिता के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साथ ही डेनमार्क, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हाल में ही सुदर्शन पटनायक को 2013 के पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। जाहिर है देश में तमाम किस्म के हुनरमंद लोगों की मौजूदगी के बीच सुदर्शन आज अपने तसव्वुर की उड़ान की रेत पर वो इबारत लिख रहे हैं जो ताउम्र लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। शेख अयूब अली की रिपोर्ट, DD News, नई दिल्ली।